हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फंक्शंस, रिटर्निंग पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यार, हमने अब तक फंक्शंस में क्या पढ़ रखा है? फंक्शंस के पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कुछ आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है। लेट सपोज हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कि क्या करे, दो नंबर्स का मैक्सिमम निकाले। तो लेट सपोज इसमें दो हमने पैरामीटर्स पास करे हैं, ए और बी, दो इंटीजर्स हैं। इन दोनों का मैक्सिमम हमें निकालना है, तो जो भी मैक्सिमम होगा हमें उस मैक्सिमम को रिटर्न करना है। तो अभी के लिए लेट सपोज हम एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, अगर ए बड़ा होगा तो ए की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, बी बड़ा होगा तो बी की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। यानी अगर ए बड़ा है या बराबर है तो ए की वैल्यू रिटर्न कर दी, एल्स बी की वैल्यू रिटर्न कर दी। तो इसमें क्या हो गया, हमारा जो रिटर्न टाइप है वो एक इंटीजर रिटर्न टाइप है। अब लेट सपोज हम मेन मेथड बनाते हैं। इस मेन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं एक्स और वाई, उसमें दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं एक्स और वाई, उसमें 5 और 10 डाल रहे हैं। अब इन दो वेरिएबल्स का हमें मैक्स जो भी आए वो जेड वेरिएबल में शोर करना है। जेड वेरिएबल बनाया, उसमें मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई शोर कर लिया। अब इस जेड को प्रिंट कर रहे हैं हम। तो हुआ क्या होगा इतने कोड से, देख लेते हैं एक बार मेमोरी में। जो हमारा फंक्शन कॉल स्टैक है उसमें सबसे पहले तो मेन पुश हुआ होगा, जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होएगा तो जो हमारा मेन मेथड है वो हमारा फंक्शन कॉल स्टैक में पुश हुआ। उसमें हमारा एक्स और वाई दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए इंटीजर टाइप के, एक वेरिएबल हुआ एक्स 5, एक वेरिएबल हुआ वाई उसमें हुआ 10। एंड हम अब तीसरा वेरिएबल बना रहे हैं जेड, और उसमें जो वैल्यू आएगी मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई से रिटर्न होकर वो स्टोर कर लेंगे। तो पहले तो मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई पुश करते हैं, मैक्स फंक्शन पुश किया, उसमें जो ए और बी है ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, जो एक्स और वाई थे वो थे हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्स जाके कॉपी हो गया ए में, वाई जाके कॉपी हो गया बी में, और ये कौन सा पास बाय मेथड है, ये है पास बाय वैल्यू मेथड, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने एक्स कॉपी कर लिया ए में, यानी एक और वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसमें एक्स की वैल्यू यानी 5 कॉपी कर ली। एक और वेरिएबल बनाया बी नाम का, उसमें वाई की वैल्यू यानी 10 कॉपी कर ली। अब अगर ए बड़ा है बी से या बराबर है तो रिटर्न कर रहे हैं ए, लेकिन ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10, तो रिटर्न क्या होगा इस केस में, बी वैल्यू रिटर्न होगी, बी की वैल्यू रिटर्न होगी। रिटर्न बी का मतलब बी की वैल्यू 10 रिटर्न हो गई, एंड वो जाके स्टोर हो गई जब ये फंक्शन पॉप आउट हुआ। तो यहाँ से रिटर्न जो हुआ बी वो जाके स्टोर हो गया हमारा जेड में, यानी जेड में 10 शोर रहेगा। अब हम जेड को प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होने वाला है। ये हमने इजी सा काम ऑलरेडी कर रखा है काफी बार। अब हम क्या चाहते हैं, जो हमारा फंक्शन है ना वो वैल्यू ना रिटर्न करे, वो क्या रिटर्न करे, वो एक्चुअल में अगर ए बड़ा है तो ए वेरिएबल को रिटर्न करे, अगर बी बड़ा है तो बी वेरिएबल को रिटर्न करे। मतलब अगर ए बड़ा है तो ए पर पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर रिटर्न करा, बी बड़ा है तो बी पर पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर रिटर्न करा। तो सबसे पहले तो हम क्योंकि पॉइंटर रिटर्न करने वाले हैं तो इस बार अब क्या करते हैं, ए और बी को पॉइंटर्स बना लेते हैं, ए और बी को पॉइंटर्स बना लेते हैं, और जो कॉल भी करेंगे वहां पर भी पास करेंगे हम एड्रेसेस। यानी हमने जो कॉल करा वहां पर हम क्या करने वाले हैं, एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई ये पास करने वाले हैं, पास बाय पॉइंटर, पास बाय पॉइंटर। यहाँ पे हम ए और बी को ऐसे पॉइंटर गेट करेंगे, और इस बार क्या रिटर्न करना चाहते हैं, हमने फंक्शन से मांगा है कि अगर ए बड़ा है ना, मतलब एक्स अगर बड़ा है तो एक्स पर पॉइंट करने वाला ए पॉइंटर रिटर्न कर दो, अगर वाई की वैल्यू बड़ी है तो वाई पर पॉइंट करने वाला पॉइंटर बी रिटर्न कर दो। यानी यहाँ से एक रिटर्न पॉइंटर, एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करना है। तो हमने अब देख रहे हैं फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स, हमारा जो फंक्शन है क्या रिटर्न करना चाहता है, वो रिटर्न करना चाहता है पॉइंटर, रिटर्निंग पॉइंटर। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू बड़ी हुई तो हम ए पॉइंटर को रिटर्न करेंगे, यानी यहाँ पर डी रेफरेंसिंग ए और डी रेफरेंसिंग बी, ए की वैल्यू बड़ी हुई बी से तो ए को रिटर्न करा, एल्स बी को रिटर्न करा। अब जो ये जेड बनेगा ये क्योंकि हम मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई से, मैक्स ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई से हम क्या मंगवा रहे हैं, हम एक पॉइंटर मंगवा रहे हैं, तो ये भी पॉइंटर
करना पड़ेगा, जेड जो आएगा क्योंकि हम पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं तो सेट भी पॉइंटर बनना पड़ेगा जेड को भी। तो जो भी इन दोनों से मैक्सिमम आएगा वो जो पॉइंटर होगा वो हम जेड से इक्वल कर देंगे, असाइन कर देंगे जेड को। अब जेड को प्रिंट करेंगे यानी एड्रेस ऑफ जो भी जेड होगा उसका डी रेफरेंसिंग करके जेड की वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं। तो इससे हुआ क्या, देखते हैं मेमोरी में क्या हुआ। जो फंक्शन कॉल स्टैक था उसमें सबसे पहले तो मेन मेथड बना, उस मेन मेथड में एक्स ब्लॉक बना उसमें 5 शोर हुआ, वाई का ब्लॉक बना उसमें 10 शोर हुआ। अब एक पॉइंटर बना रहे हैं, उस पॉइंटर में उस पॉइंटर का नाम दे रहे हैं जेड, उसमें क्या शोर होएगा, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई जो वहां से रिटर्न होकर आएगा। यानी मैक्स वाला फंक्शन बनाया उसमें पास बाय पॉइंटर कर रहे हैं, पास बाय पॉइंटर एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं। ए के लिए ब्लॉक बना उसमें क्या शोर हो गया, इस एक्स ब्लॉक का एड्रेस, लेट सपोज इस ब्लॉक का एड्रेस है 4K, इस ब्लॉक का एड्रेस है 6K, तो यहाँ पर जाके शोर हो जाएगा हमारा 4K क्योंकि ए जो है पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है एक्स के एड्रेस को। सिमिलरली बी के लिए ब्लॉक बना उसमें जाके शोर हो जाएगा 6K ये वाला एड्रेस। अब हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू यानी 4K पर पड़ी वैल्यू अगर बड़ी है तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं ए पॉइंटर को, वरना हम अगर 6K पर पड़ी वैल्यू बड़ी है 4K पर पड़ी वैल्यू से तो हम रिटर्न कर रहे हैं बी पॉइंटर को। लेकिन अभी हमारे केस में जो 6K पर पड़ी वैल्यू है वो 4K पर पड़ी वैल्यू से बड़ी है तो हम रिटर्न करेंगे बी पॉइंटर को। यानी यहाँ से रिटर्न होने वाला है बी पॉइंटर, यानी जेड में क्या शोर होने वाला है, जेड में ये बी पॉइंटर की वैल्यू यानी 6K शोर होने वाली है, यानी यही 6K यहाँ पर जाके शोर हो गया। अब अगर हम प्रिंट करें Z की वैल्यू को तो 6K पर पड़ी हुई वैल्यू यानी ये 10 प्रिंट होने वाला है। तो अब जब Z को प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा। एक बार जल्दी से ये वाला कोड लिख लेते हैं। हमने एक मैक्स फंक्शन बनाया जो रिटर्न कर रहा है पॉइंटर, तो दो वेरिएबल्स बनाए जो कि क्या हो, पॉइंटर्स हो। अगर ए की वैल्यू डी रेफरेंसिंग ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी रेफरेंसिंग ऑफ बी तो हम ए पॉइंटर को रिटर्न कर रहे हैं, वरना हम रिटर्न करेंगे बी पॉइंटर को। दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, एक्स उसमें शोर कर रहे हैं 5, दूसरा वेरिएबल वाई उसमें शोर कर रहे हैं 10, एंड एक जेड नाम का पॉइंटर बना रहे हैं जो कि क्या शोर कर लेगा, मैक्स ऑफ एड्रेस ऑफ ए सॉरी एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई, जो भी दोनों का मैक्सिमम होगा उसका पॉइंटर स्टोर कर लेगा यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि मेरे को एड्रेस ऑफ वाई प्रिंट कर दो या फिर मेरे को प्रिंट कर दो जेड साथ के साथ प्रिंट कर दो रेफरेंसिंग ऑफ जेड, क्या प्रिंट होने वाला है, एड्रेस ऑफ वाई यानी 6K प्रिंट होएगा, जेड की वैल्यू यानी वो भी 6K क्योंकि एक्स और वाई का मैक्सिमम 6K है, जो 6K पर बड़ी वैल्यू है वो है तो Z में 6K आने वाला है, एंड अगर Z को डी रेफरेंस करें यानी 6K पर बड़ी वैल्यू को क्रिएट करना चाहे तो आएगी 10। तो यहाँ से क्या आने वाला है, एक एड्रेस वही सेम एड्रेस दोबारा एंड उस पर बड़ी वैल्यू 10। तो दो एड्रेसेस आए जो दोनों सेम है क्योंकि दोनों Y के ही एड्रेस है, Z में Y का ही एड्रेस स्टोर हो रहा है एंड हमारा मैक्सिमम 10 जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो हमने एक फंक्शन से पॉइंटर रिटर्न करवा लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट सपोज मैं ये ए और बी यहाँ पर पॉइंटर्स के थ्रू पास ना करके नॉर्मल पास बाय वैल्यू करता। अब मेरे को क्योंकि डायरेक्टली वैल्यूज मिलती हैं तो बी रेफरेंस तो करना नहीं, यहाँ पर बी रेफरेंस करना नहीं, लेकिन रिटर्न क्या करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि ये पॉइंटर नहीं है, इस बार ये नॉर्मल वेरिएबल है और रिटर्न करना है मुझे पॉइंटर, यानी यहाँ पर मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए और यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ बी। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या दिक्कत हो जाएगी, एक बार मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स की जगह सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई पास कर रहा हूँ क्योंकि अब हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, तो इस वाले कोड में दिक्कत क्या हो जाएगी। पिछला वाला कोड तो अच्छे से चल गया था, लेकिन इस कोड में क्या दिक्कत होगी और देखते हैं। तो हमने एक फंक्शन कॉल चेक बनाई, उसमें हमने पहला मेन मेथड बनाया, उस मेन मेथड में एक एक्स के कोरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक, एक वाई के कोरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक एंड जेड के कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंटर के कोरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक बनाया, उसमें वैल्यू शोर होने वाली है मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई जो पॉइंटर रिटर्न कर रहा है।
तो मैक्स फंक्शन कॉल करा, उसमें एक्स को पास करा ए के रूप में, तो ए जो है इस बार नॉर्मल वेरिएबल है, तो उसमें एक्स की वैल्यू 5, बी जो है वो भी नॉर्मल वेरिएबल है, उसमें वाई की वैल्यू 10, पास बाय वैल्यू कर रहे हैं। अब जो भी मैक्सिमम है, अगर इसका एड्रेस हम लेट सपोज 4K पिछले केस में ले रहे थे, पिछले केस में यहाँ पे 4K ले रहे थे, यहाँ पे 6K ले रहे थे, लेट सपोज ए, क्योंकि अब पास बाय वैल्यू है तो ए का कुछ और एड्रेस होगा, लेट सपोज वो है हमारा 15K एंड बी का एड्रेस है लेट सपोज 20K, तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, 5 बड़ा है 10 से, नहीं तो हम रिटर्न करेंगे बेसिकली बी का एड्रेस, क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है, बी का एड्रेस जैसे दैट इज 20K रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन जैसे रिटर्न करा वैसे ही ये फंक्शन पॉप आउट होएगा, ये फंक्शन पॉप आउट हुआ और हमने रिटर्न क्या करा है 20K, जो कि कहाँ जाके शोर हो जाएगा, जेड पॉइंटर में। लेकिन अब क्या देख पा रहे हो दिक्कत, 20K जो था वो तो मैक्स वेरिएबल का मैक्स जो फंक्शन बना था उसमें हमने एक लोकल वेरिएबल, क्योंकि पैरामीटर जो होते हैं वो लोकल वेरिएबल की तरह काम करते हैं, लोकल वेरिएबल का एड्रेस हमने रिटर्न करा है और वो एड्रेस जाके यहाँ पे शोर हो रहा है, तो अब यहाँ पर तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब तो 20K हमारे एक्सेस में है ही नहीं, ये तो पॉप हो चुका है फंक्शन, ये फंक्शन तो पॉप हो चुका है, तो 20K हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर हम 20K पर पड़ी हुई वैल्यू को अगर हम डीरेफरेंस करेंगे यूजिंग एस्ट्रिक ऑफ रिजल्ट तो दिक्कत आने वाली है, एक बार देख भी लेते हैं क्या रन टाइम एरर आ गई, एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल बी रिटर्न, लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन पॉप आउट हो चुका है, तो वो तो हमें एक्सेस करने की हमारे ऊपर बेसिकली ये बी जो है ये हम रिटर्न कर रहे हैं, और ये जो बी है ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ये करना पॉसिबल नहीं है, तो जो पहले करा था हमने यानी पॉइंटर्स पास करे थे और उन पॉइंटर्स को ही रिटर्न करा था जो भी मैक्सिमम आया था, वैसा हम कर सकते थे, और क्या वर्क अराउंड हो सकता था, इसके जगह हम क्या कर सकते थे, इन ए और बी को ग्लोबल वेरिएबल्स बना लेते, या फिर और भी क्या कर सकते थे, इन ए और बी वेरिएबल्स को अगर हमें यहाँ अंदर डिक्लेयर करना होता जो भी मैक्सिमम आता, लेट सपोज जो मैक्सिमम आता वो आता सी नाम में, तो उसको स्टैटिक बना लेते, चल जाता, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो सिंपल सा कोड है, यानी जो हमने पहले करा था दैट इज ए और बी को हम पास बाय पॉइंटर कर देंगे, तो क्या होगा, क्योंकि जेड जो आएगा उसमें एक्स और वाई में से जो बड़ा होगा उसका एड्रेस आएगा, और एक्स और वाई तो हमारे मेन मेथड में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो पास बाय पॉइंटर करने से सही काम चल जाएगा। पहला मेथड हमने देख लिया फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स, और यहाँ पे अब बी को रिटर्न करो या ए को, एंड सिमिलरली जो पहले करा था डी रेफरेंसिंग बी डी रेफरेंसिंग ए, हमने ये पहले देख रखा है। अब लेट सपोज मैं पॉइंटर्स की जगह रेफरेंस के साथ खेलना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, यानी जो दो वेरिएबल्स आए मैक्स में वो रेफरेंसेस आए, एंड अगर ए बड़ा हो बी से तो रिटर्न हो जाए ए, वरना रिटर्न हो जाए बी, और इस बार हम क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं, रेफरेंस यानी इंट एम्परसेंड, रेफरेंस रिटर्न करवाना चाहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बनाया एंड मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इस बार ये वाले कमेंट को, ये वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो अब जो रिटर्न होएगा रेफरेंस वो जाके मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है रेफरेंस उसमें हम जेड में शोर कर रहे हैं, तो अब डायरेक्टली डी रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है रेफरेंस में, तो डायरेक्टली हम जेड को प्रिंट कर सकते हैं, तो जेड को प्रिंट करते हैं और साथ ही साथ जेड का एड्रेस भी प्रिंट कर लेते हैं, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेते हैं, यानी एड्रेस ऑफ वाई प्रिंट करा एंड एड्रेस ऑफ जेड प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू एट जेड ये भी प्रिंट कर रहे हैं, तो सो होने क्या वाला है, एक बार पहले रन करके दिखा देता हूँ, और ये दो एड्रेसेस प्रिंट हुए जो कि डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है, एंड वैल्यू प्रिंट हो गई 5 और 10 का मैक्सिमम दैट इज 10,
तो हुआ क्या, अगर हम इसका फंक्शन कॉल चेक बनाएं, अगर हमें पास बाय रेफरेंस, सॉरी पास बाय रेफरेंस तो है ही और साथ ही साथ रिटर्न रेफरेंस, दोनों चीजें हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेन मेथड है उसमें दो डब्बे बने जैसे पहले बन रहे थे, एक डब्बा एक्स के नाम के लिए, एक डब्बा वाई के लिए। यहाँ पे शोर हुआ 5, यहाँ पे शोर हुआ 10। लेट सपोज इसका एड्रेस था 4K, इसका एड्रेस था 6K। अब हमने एक तीसरा डब्बा बनाया है Z के लिए, उसमें क्या शोर होगा, Z क्या है, रेफरेंस है इस बार, तो तीसरा डब्बा तो इस बार बनेगा ही नहीं क्योंकि Z जो है वो रेफरेंस है। अब Z किसको रेफर कर रहा होगा वो देख लेंगे। तो यहाँ से जो हमने मेन मेथड से कॉल करा मैक्स, उसमें ए और बी दो रेफरेंसेस बनाए, यानी ए और बी इसी को पॉइंट कर रहे हैं, ए इसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, बी इसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। एक्स में पास किया ए एंड वाई में पास किया बी, यानी ए और एक्स सेम डब्बे को पॉइंट कर रहे हैं। तो ए का एड्रेस अगर हमने लास्ट क्लास में देखा था, ए का एड्रेस प्रिंट करोगे तो वो भी 4K आएगा, बी का एड्रेस प्रिंट करोगे तो वो भी 6K आने वाला है। ए और एक्स एलायस है एक दूसरे के, तो अब जो भी मैक्सिमम होगा, अगर ए बड़ा है बी से तो ए का एड्रेस बेसिकली ए रिटर्न कर रहे हैं और रेफरेंस रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर बी बड़ा है तो बी रिटर्न कर रहे हैं, तो इस केस में बी रिटर्न करा जा रहा है और बाय रेफरेंस रिटर्न करा जा रहा है। यानी जेड में क्या चल जाएगा, जेड में बी का रेफरेंस, यानी जेड किसको पॉइंट करने लगेगा, जिसको वाई पॉइंट कर रहा है, जिसको बी पॉइंट कर रहा है, यानी जेड बी इसी 6K को पॉइंट करने लगेगा, यानी एड्रेस ऑफ y और एड्रेस ऑफ z दोनों के दोनों सेम 6K आने वाले हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही 6K ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं, सेम ही LIS है, z भी b भी एंड y भी। अगर मैं यहाँ पे आपको b का एड्रेस भी प्रिंट करके दिखाऊं तो वो भी 6K ही आने वाला है। रिटर्न करने से पहले लेट सपोज हम एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं, आज क्लास में देख रखे हैं वैसे, तो तीनों जो एड्रेस प्रिंट होंगे इस बार वो तीनों सेम होंगे, तीन एड्रेसेस प्रिंट हुए, तीनों के तीनों सेम है और वैल्यू आई मैक्सिमम वो थी 10। तो हमने देख लिया कोई भी फंक्शन रिटर्न कर सकता है पॉइंटर, रिटर्न कर सकता है रेफरेंस। एक इसमें कॉन्सेप्ट और आ जाता है, जो कि अब यहाँ पे पॉइंटर्स या फिर रेफरेंसेस रिटर्न हो रहे हैं, तो हम इस कॉल को अपनी किसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी लिख सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज जो भी मैक्सिमम आए उसकी वैल्यू मैं सेट करना चाहता हूँ 15 या फिर -1, तो मैं क्या करूँ, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई जो भी वैल्यू आएगी, जो भी रेफरेंस आएगा, उस रेफरेंस में मैं -1 स्टोर कर दूंगा। अब होएगा क्या, अब अगर मैं वाई की वैल्यू प्रिंट करूँ, एड्रेसेस आप छोड़ देते हैं, डायरेक्टली वाई की वैल्यू प्रिंट करूँ, जेड की वैल्यू, अभी तक हमने इस तरह के फंक्शन देखे नहीं है, फंक्शन हमने किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे देखे नहीं है, पहली बार हम देख रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे जो भी ए और बी में बड़ा है उसका रेफरेंस रिटर्न हुआ, यानी जो हमने एक्स और वाई बनाए थे उसमें 5 शोर था, इसमें 10 शोर था, तो जो वाई का रेफरेंस था जो 6K था वो रिटर्न हुआ, वाई रेफरेंस रिटर्न हुआ होगा, यहाँ से बी रेफरेंस रिटर्न हुआ होगा, तो ये जब पॉप हुआ, अब y रेफरेंस में हम क्या शोर कर रहे हैं, -1, यानी इसमें हम शोर कर रहे हैं 10 की जगह -1। तो y को प्रिंट करो, या फिर इस बार z तो है ही नहीं, इस बार z तो है नहीं, सिर्फ y को प्रिंट करोगे तो -1 प्रिंट होने वाला है। देख लेते हैं एक बार, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और आ जाता है कि हम फंक्शंस रिटर्निंग रेफरेंस या फिर रिटर्निंग पॉइंटर दोनों में हम उस फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं, यानी जो रिटर्न हुए रेफरेंस उसमें हम शोर करना चाहते हैं -1। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर्स एंड रेफरेंस। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।